अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अस्मा डोल की ज़फरानी न्यू पॉलिश का रिव्यू करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अस्मा डोल की न्यू ज़फरानी पॉलिश है और ये अस्मा डोल का सूथिंग लोशन है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से है इसका, और ये इसका यानी सूथिंग लोशन है और मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हम पॉलिश के साथ भी यूज़ करें, वैसे भी कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन सेंसिटिव वगैरह है तो भी हम फेस पे लगा सकते हैं, अगर कहीं से रेड वगैरह भी हो रही होती है हमारी स्किन तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं सूथिंग लोशन को। और ये अस्मा डोल का शाइनर है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जेल फॉर्म में शाइनर है और मैंने इसे भी यूज़ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, शाइनर को हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम फेस वॉश यूज़ करने के बाद भी अगर हमें फेस पर अच्छे से अच्छा ग्लो चाहिए तो भी हम इसका शाइनर यूज़ करते हैं। ये जेल टाइप शाइनर है इसका, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप इसे पॉलिश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो। अगर कोई हम मड मास्क वगैरह भी यूज़ करते हैं उसमें भी इसके 2 से 3 ड्रॉप डाल के हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, यानी आपके फेस पे अच्छी शाइनर आता है। मास्क के साथ हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और वैसे भी अगर हम लगाना चाहें तो हम फेस वॉश करके उसके बाद भी अगर लगा लें तो हमारी स्किन पे ग्लो आता है। तो इसका ये जेल है तो मुझे इसका शाइनर भी बहुत अच्छा लगा और सूथिंग लोशन भी मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये अस्मा डोल की न्यू ज़फरानी पॉलिश है, ये उसका पाउडर है। ये आप देख सकते हैं पिक में भी ये किस तरह से ये हमारे जो हमारी फेस टू टोन हो जाती है या ब्लैक पैचेस पर जाते हैं तो ये ज़फरानी पॉलिश उसके लिए होती है। और मैंने इसे एक्ने वगैरह की स्किन पे भी यूज़ किया था, मुझे इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, यानी मैंने डिफरेंट स्किन पे किया, नॉर्मल पे भी किया, एक्ने पे भी किया, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जिनकी ऑयली स्किन है उस पर भी किया तो ऑयली स्किन पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, यानी ऑयल वगैरह सब ठीक हो गए स्किन पर, एक्ने वगैरह थी वो भी कवर हुई है काफ़ी, यानी ऑयल वगैरह ख़त्म कर दिया यानी पॉलिश में। तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने फेस पे ये पॉलिश की तो बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्नी हो रही थी, तो ऑयल इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया और बिल्कुल ड्राई स्किन होगी। तो ड्राई होगी तो जब ऑयल नहीं होगा स्किन पे तो एक्नी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसका पाउडर है और पाउडर भी इसका काफ़ी ज़्यादा है और यानी काफ़ी टाइम तक चलेगा ना, आप एक मरतबा परचेज़ करें तो ये आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा। मैंने इसे काफ़ी लोगों पर यूज़ किया, डिफरेंट डिफरेंट स्किन पर किया, मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। ये न्यू थी और मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया, मैंने और भी इसकी तारीफ़ सुनी थी पिंक पॉलिश की और मुझे उसका भी सुनी थी, तो मैंने ये न्यू वाली आई हुई थी तो मैंने ये न्यू वाली डील में परचेज़ की और मैंने इसे यूज़ किया तो इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और आप ये देख सकते हैं ये इसका डेवलपर है, 20 वॉल्यूम का इसका डेवलपर है, ये आप देखने की किस तरह से है। डेवलपर भी अच्छा खासा है, काफ़ी चलेगा, जैसे पाउडर है तो डेवलपर भी इसका काफ़ी है, तो यानी बहुत चलने वाली चीज़ है। आप देखिए किस तरह से है, तो मैं इसको यूज़ करने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्किनों पे, किस तरह से हम इसे लगाएंगे और इसके साथ हमें कौन कौन से पाउडर यूज़ कर सकते हैं ये, और कैसा रिज़ल्ट मिलेगा आपको यूज़ करने के बाद। और मैंने इसे किया है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप इसे कैसे यानी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे, डिफरेंट डिफरेंट स्किनों पे, ऑयली पे और एक्नी वाली पे, नॉर्मल स्किन पे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, आज की वीडियो इस पे थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।